बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का शुरू होगा। अच्छा ब्लर हो रहा है क्या? नहीं अभी ठीक होगा शायद। देख अभी ठीक है बेटा। अच्छा ओके। द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, क्या पढ़ना है? इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो पहले देखना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है। तो पहले हम लोग बोला था ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, और यहाँ पे भी जो बता रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी क्या स्टेट फंक्शन को बताएगा। ठीक। इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। ओके तो इंटरनल एनर्जी हम लोग तो जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जो होता है बेटा इंटरनल एनर्जी, तो कोई बॉडी जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं देखो इंटरनल एनर्जी किस तरीके से बात करते हैं, जैसे किसी जगह पे कुछ पर्टिकुलर हीट दिया, मान लो ये वाटर है, तो ये जो हीट है ना इस वाटर का इंटरनल एनर्जी है, को थोड़ा और हीट सप्लाई कर दिया। पहले मतलब इसमें 10 जूल एनर्जी था सपोज, अभी हम लोग तुमने इसको और 5 जूल एनर्जी दे दिया, तो ये मान लो कि सपोज वेपर में चेंज हो गया, तो इसके पास 15 जूल एनर्जी हुई। तो 15 जूल एनर्जी होगा तो वेपर होगी, 10 जूल एनर्जी होगा तो ये वाटर होगी। दैट मीन्स ये जो वाटर जब लिक्विड स्टेट में है इसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, जब वेपर में जाएगा उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। एक पर्टिकुलर एनर्जी में वो वेपर होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी में वो क्या होता है लिक्विड होती है। आई मान लो और एनर्जी कम कर दिया, 5 जेद मतलब 10 जूल था, इस मान लो कि हमने कुछ ऐसा कर दिया 3 जूल एनर्जी रख दिया, हो सकते आइस में चेंज हो गया। ये तो तुम लोग जानते हो, जितना मतलब वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड गैस में चेंज होते हैं, उसके अंदर एनर्जी बढ़ते हैं। और आइस को वाटर में चेंज करने पड़ने हीट करना पड़ता है, और लिक्विड जो वाटर है वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए भी हीट देना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में उसके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जो सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। क्लियर बेटा? सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर एनर्जी प्रेजेंट है उसी को क्या बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। तो अभी देखो, अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर हीट है तो डायरेक्टली हीट दे दे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू दे दे, केमिकल सिस्टम के थ्रू दे दे, कोई भी सिस्टम के थ्रू इसके पास इतनी एनर्जी हो गया तो क्या होगा, वो लिक्विड होगा। कितना एनर्जी हो गया तो गैस होगा। तो ये कोई भी सिस्टम में सकते, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है। कैसे? ये आइस, आइस को घिसते रहो तो इसको मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करो, केमिकल सप्लाई करो, तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी हो इट में भी मैकेनिकल, इट में भी इलेक्ट्रिकल, इट में भी केमिकल, सब मिला के इसके पास जो एनर्जी है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर उसका स्टेट होगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके अब एक बार थोड़ा देख लो इधर क्या लिखा है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनमें भी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, यू मे थिंक the sum of all these is the energy of the system. In thermodynamics, we can call it internal energy or U of the system. कैसे होता है?
हीट पास कर दो, एनर्जी बढ़ेगी, उसको और वर्क डन करो वो होगा, ओके। उसमें मैटर एंटर करे और लीव करे तो उसके इंटरनल एनर्जी में ऑलवेज चेंज होने लगते हैं, ओके। जैसे देखो ये वाला टॉपिक, ये वाला बात, मैटर एंटर ऑफ लीव्स इन द सिस्टम, पानी था, वाटर था, ये कितना मतलब जो 1 डिग्री सेल्सियस में वाटर थी कि 2 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ये तो लिक्विड है पक्का, ये मतलब 1 केजी वाटर था। मैटर तूने डाल दिया आइस, 10 केजी आइस डाल दिया, ओके, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का 10 केजी आइस इसमें डाल दिया, पहले इसमें 1 डिग्री सेल्सियस था माइनस, तो ये जो वाटर है ना इसके अंदर पहले जो एनर्जी थी वो अभी इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका खुद का एनर्जी कम हो जाएंगे और ये वाटर से आइस की तरफ चला जाएंगे। तो मैटर एंट्री करने से आई मान लो कि देखो वाटर आइस है, आइस को हटा दो तो प्योर लिक्विड बन जाएंगे, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जैसे मान लो पानी है लिक्विड है, वाटर है लिक्विड फॉर्म, इसमें मान लो कि तुमने हॉट वाटर डाल लो, वेपर डाल लो, तो ये भी क्या होता है, ये फिर जाके मान लो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती। तो कुछ मैटर आने से, कुछ मैटर बाहर जाने से उसका अंदर एनर्जी में चेंज हो सकता है, कोई केमिकल थिंक करके भी हो सकता है, मैकेनिकल थिंक करके भी उसके अंदर एनर्जी हम लोग इंक्रीज करते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू।